दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गांधीनगर लोअर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। 2013 के इस मामले में आसाराम को आईपीसी की 6 धाराओं के तहत दोषी माना गया है। दुष्कर्म का ये मामला आसाराम पर 2013 में दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी कर दिया था और इन 6 लोगों में आसाराम की पत्नी भी थी, जिसमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम 2013 से ही जोधपुर की जेल में बंद है। आपको बता दें कि कल ये पूरा मामला सुरक्षित रख लिया गया था। डीके सोनी जो कि जज हैं और आज इस मामले पर जानकारी सामने आई। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी जनक दवे भी जुड़ गए हैं। जनक, आसाराम को उम्र कैद की सजा, पूरी जानकारी। देखिए, गांधीनगर कोर्ट ने अभी इसका फैसला सुनाते हुए कहा कि आसाराम को उम्र कैद की सजा होगी। हालांकि कितने साल के, हालांकि ये कहा कि 20 साल के बाद वो दया की अर्जी दे सकते हैं, कि उसके साथ साथ 23,000 रुपये का उनको जुर्माना ठोका गया है और साथ ही में 50,000 रुपया है वो पीड़िता को कंपनसेशन के मुआवजा जिसे कहें वो देने के लिए कहा गया है। जो 1998 से ये दो पीड़िता जो थी वो उनके आश्रम में काम करती थी, दो बहनें हैं, उसमें एक जो बहन है, बड़ी बहन, उसने आसाराम पर आरोप लगाया था दुष्कर्म का, और जो उनके बेटे नारायण साई पर उनकी जो बहन, दूसरी बहन है, उन्होंने सूरत में दुष्कर्म का आरोप लगाया। दोनों मामले पैरेलल चल रहे थे। सूरत में अभी जजमेंट उसका आना बाकी है, लेकिन गांधीनगर में ये पूरी सुनवाई होती रही। 2013 में ही उन गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद लंबे समय से सुनवाई चलती रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोधपुर से इनको जोड़ा जा रहा था और आज कोर्ट ने सारे सबूतों के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। 23,000 रुपया जुर्माना और 50,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शुक्रिया। घरों से सड़क तक हर ओर दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी ने तोड़े रिकॉर्ड, सड़क पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जमी, पर्यटक खुशी में दिखाई दिए, मौसम में जल्द ही सुधार होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें, चंद्रकोट और बनिहाल में कई जगह हाईवे पर गिरा मलबा, जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। कोहरे की चादर में सिमटा जयपुर, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हुई 50 मीटर, सड़क पर भी गाड़ी चलाने में हो रही है परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, देवलाली कैंप के पास वन विभाग के पिंजड़े में फंसा, मिलिट्री कैंप के पास घूमता हुआ दिखा था तेंदुआ। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बड़ा हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, पुलिस घटना की जांच में जुटी। दिल्ली के शालीमार इलाके में दिन दहाड़े कार चोरी, पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में हुए रिकॉर्ड, पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।